बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। As we are discussing module that is portfolio risk management, here we will talk about portfolio risks, how they are being calculated. We'll be thoroughly discussing about risk aversion, its implications on the portfolio. कि ये आरिश के वर्जन क्या होती है, ये कैसे इम्पैक्ट होता है। It's not about finance people, ये हर बंदे के लेवल पे भी रिस्क वर्जन है, जिसको हम अभी आपसे रिलेट करेंगे। So if you can relate it with the normal लेमैन अप्रोच देन यूल बी एबल टू लर्न एंड इंटरप्रेटेड इन अ मोर बेटर वे तो उस तरह भी हमें इसको देखना होगा इन्वेस्टर हैव देअ फ्यूचर नीड्स डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट करते भी इसीलिए कि यू आर एक्सपेक्टिंग सम थिंग फॉर फ्यूचर तो यू वॉन्ट टू हैव अटर रिटर्न आउट ऑफ इट सो देफर अ पोर्टफोलियो अप्रोच जो कि रिकमेंडेड भी है हम लोग एडवाइज भी करते हैं कि आप पोर्टफोलियो अप्रोच रादर देन इन्वेस्टिंग एवरी इन वन एरिया हमने डायवर्सिफिकेशन की बेसिक बात भी की थी क्योंकि वो रिस्की ज्यादा होता है तो पोर्टफोलियो इज अ रिकमेंडेड सो वेन वी आर गोइंग टू पोर्टफोलियो वी शुड नो कि इसके क्या डायनेमिक्स होंगे उसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज अबाउट क्रिएटिंग अ डाइवर्सिफाइड अप्रोच आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड करते हैं बिटवीन एसेट क्लासेस और उस एसेट क्लासेस के अंदर भी विथ डिफरेंट सिक्योरिटीज जैसे मैं अगर रिकॉल करने की बात करूं तो वी विल बी इन्वेस्टिंग समथिंग इन बॉन्ड्स विल बी इन्वेस्टिंग समथिंग इन स्टॉक्स अब स्टॉक्स में जब जाएंगे तो मैं कुछ शेयर टेक्सटाइल कंपनी के शायद ले लूँ कुछ मैं बैंक्स के ले लूँ तो स्प्रेड आउट करेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट किसी एक जगह पे ओवर रिलाइंड ना हो जाए डाइवर्सिफिकेशन वोल्स इनवाइडिंग टू मच एक्सपोजर टू अ सिंगल एसेट और एसेट टाइप इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक में ज्यादा नहीं कर सकते कुछ लोगों की नेचुरल एफिलियशंस भी होती हैं कुछ हिस्टोरिकल आपको इनहेरिटेंस भी होती है कि यू हैव लॉट ऑफ इन्वेस्टेड इन वन एरिया बट वी शुड डाइवर्सिफाई टू रिड्यूस द रिस्क इट्स नॉट नेसेसरी कि मैंने अगर एक लाख है तो मैंने दस जगह में इन्वेस्ट करना है तो दस दस हज़ार ही करूंगा आई मे बी इन्वेस्टिंग फोर्टी थाउजेंड इन वन एरिया एंड देन रिमेनिंग इन अदर एरिया सो इट्स नॉट फिक्सड के आपको इक्वली डिवाइड करना है बट डिवाइड करना और स्प्रेड करना दैट इज द एम तो जब हम पोर्टफोलियो रिस्क की बात करेंगे तो दैट इज The standard deviation of returns and risk और एक इसमें जो नई चीज़ आ जाएगी that will be the covariance and or a later way we call it correlation of those deviations because दो एसिड्स की आपस में जो लिंक है दैट इज being कैप्चर्ड थ्रू कोवेरियंस एंड correlation जो कि हमने बेसिक कैलकुलेशन में बात भी शुरू में की थी कि को कैसे निकालते हैं एंड वॉट द इम्पैक्ट ऑफ दैट तो को रिलेशन को अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल आएगा इन गेजिंग द पोर्टफोलियो और ये जो बेस कर रहा है ये मॉकुट्स की रिसर्च पे करता है दैट इज़ मॉडर्न पोर्टफोलियो थेरी तो हम ये अक्सर एम भी यूज़ करेंगे बट इट रेफर्स टू मॉडर्न पोर्टफोलियो थेरी तो आपको बल्कि रिक्वेस्ट भी करूँगा मैं कि बिकॉज़ आप माशाल्लाह आजकल सब इंटरनेट से वेल फेमिलियर हैं यू शुड डू अ लिटिल रिसर्च ऑन दिस गाय एज वेल एज द मॉडर्न पोर्टफोलियो थेरी इसकी एवोल्यूशन क्या है हम लोग तो डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल से बात भी करेंगे बट फर्स्ट हैंड नॉलेज तो उस पर थोड़ी सी आपको रिसर्च की एबिलिटी भी जनरेट करनी है तो डू गेट अ सम आइडिया अबाउट फ्रॉम द इंटरनेट बिफोर वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट रिस्क मैनेजमेंट के रिस्क कैसे होगा हम जो बात कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर रिस्क की एप्लीकेशन हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रोसेस थोड़ा समझना होगा एंड वी विल बी बिकॉज ऑफ द लिमिटेड टाइम वील बी ब्रीफली डिस्कसिंग इट वेयर आज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन इट सेल्फ इज अ फुल फ्लैज सब्जेक्ट इस पे पूरी बुक्स हैं इसके पूरी पूरी एरियाज हैं इवन क्वालिफिकेशन इस पे आ गई हैं तो बट बी ंग टू समी है बेटर अंडरस्टैंड तो इसमें स्टेप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज प्लानिंग स्टेप थोड़ा सा मैं इस पर आपको पहले यह बता दूं कि हम लोग आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ फॉर सिंपलिसिटी हंड्रेड थाउजेंड टू हंड्रेड थाउजेंड बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेटी अमाउंट ऑफ मनी वी आर टॉकिंग अबाउट बिग मनी दैट इज मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज इवन मिलियंस एंड बिलियन्स ऑफ डॉलर तो दैट इज यूज अगर किसी का पेंशन फंड आप मैनेज कर रहे हैं किसी का पेंशन फंड का पोर्टफोलियो देख रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी के एंडोमेंट का कर रहे हैं दैट अज मनी तो वहाँ पर आप ऐसे रेंडमली बाय चॉइसड सी एन नहीं होगा उनका जो पोर्टफोलियो बनेगा उसका जो फर्स्ट स्टेप दैट विल बी वेरी क्रिटिकल दैट विल बी द्लानिंग स्टेप एंड दैट विल बी ए ग्रेट टाइम प्रॉपर इन्वेस्टर्स जो उसकी एनालिसिस यहाँ पे एक बहुत क्रिटिकल टाइम लगेगा पर तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट भी बनता है दैट इज कॉल्ड आई पी एस दैट इज़ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट जहाँ पे उनके सारे डायनमिक्स रिक्वायरमेंट्स तो हम डिस्कस करके जॉट डाउन करके एग्रीड होते हैं और ये भी हो सकता है कि प्लानिंग वाले लोग और हों और एग्जीक्यूशन वाले और हों सो दैट्स वेरी नॉर्मल सो सेकेंड इज डिटर्मिन इसमें हम प्लानिंग के अंदर क्या बात करेंगे हम डिटर्मिन एंड वैल्यूएट रिस्क एंड रिटर्न के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं किसी अगर आप हॉस्पिटल का पोर्टफोलियो फंड मैनेज कर रहे हैं उसके रिटर्न की रिक्वायरमेंट विल बी मच डिफरेंट फ्रॉम अ पेंशन फंड किसी और इंश्योरेंस कंपनी की रिक्वायरमेंट्स विल बी मच डिफरेंट तो ओके ऑब्जेक्टिव्स वेल डिफाइंड होंगे इन दिस प्लानिंग फेज फिर एट द सेम टाइम व्हाट रिस्क यू आर फेसिंग दैट वी डिस्कस तो यहाँ पे हम उनकी रिस्क टॉलरेंस की बात करें होंगे उनकी कितनी एपीटाइट है रिस्क की फिर उनकी विलिंगनेस की बात करेंगे कि वो कितना रिस्क लेना चाह भी रहे हैं तो ओवरऑल रिस्क टॉलरेंस यहाँ पर हमारी गेज हो रही होगी देन वील टॉक अबाउट एग्जीक्यूशन स्टेप प्लानिंग पार्ट हो गया फिर अब एग्जीक्यूशन एज एव टोल्ड इट इज वेरी नॉर्मल कि प्लानिंग वाले सेपरेट होंगे एग्जीक्यूशन वाले सेपरेट यहाँ पे अब बात होगी एसेट एलोकेशन की पोर्टफोलियो मैनेजर नीड टू डेवलप व्यू ऑन रिस्क एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्योंकि जो चीज़ गुजर गया पास वो हमारी लर्निंग के लिए तो इम्पॉर्टेंट है बट हमारे पे जो इम्पेक्ट ज़्यादा करना है वो फ्यूचर है सो वील हैव टू प्ले विद एक्सपेक्टेशन कि रिस्क की एक्सपेक्टेशन क्या है रिटर्न की एक्सपेक्टेशन क्या है और वो भी एक एसेट की नहीं डिफरेंट एसेट्स की एंड देन डिफरेंट एसेट क्लासेस की वंस वी आर इन द एग्जीक्यूशन देन वी डू सिक्योरिटी एनालिसिस सिक्योरिटी एनालिसिस इज वैन यू हैव डिसाइडेड ओके आई एम गोइंग टू एलोकेट थर्टी परसेंट टू बॉन्ड्स तो फिर मुझे अब ये देखना है कि मुझे पेल का बॉन्ड लेना है या मुझे किसी टी एफ सी लेनी है मोबेलिंग की या मुझे किसी पर्टिकुलर सफ़ायर के इंस्ट्रूमेंट को देखना है या मुझे किसी इस्लामिक सकूक पर जाना है तो यहाँ पर अब अनालिस होगा बेस्ड ऑन माई रिस्क इट बेस्ड ऑन माई रिटर्न ऑब्जेक्टिव फिर यहाँ पे सिक्योरिटी की सिलेक्शन होगी लेकिन सिर्फ रिटर्न को नहीं देखेंगे ना रिस्क को देखेंगे वील हैव टू सी अदर कंस्ट्रेंट्स एज वेल फॉर एग्जाम्पल जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको जो रेगुलेटर है ऑपरेट कर रहा है एस उन्होंने हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हो कि आपने ये ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी तो मे बी डैट कूड बी गुड फॉर देम बट दे हैव टू फॉलो देअर रेगुलेटर जैसे बैंक्स के केस में अगर बैंक किसी का पोर्टफोलियो बना रहे हैं स्टेट बैंक टेल्स दैम के यू हैव टू तो कीप सर्टन परसेंटेज इन वन सिक्योरिटी इससे ज्यादा आप एक सिक्योरिटी में नहीं इन्वेस्ट कर सकते इससे ज्यादा आप एक सेक्टर में नहीं कर सकते तो दीज आर कंस्ट्रेंट देन अनादर काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट इज टाइम आप एक ऐसे बंदे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जैसे आप बात आगे भी करेंगे जिसकी एज है फिफ्टी फाइव हु इज गोइंग टू रिटायर इन फाइव और एक और बंदा है हुज एज थर्टी अब दोनों का टाइम लाइन्स टाइम फ्रेम बहुत डिफरेंट है फिफ्टी फाइव वाले ने पाँच साल में रिटायर हो जाना है ही विल बी नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट तो ही विल बी रिक्वायरिंग मोर सेफ्टी वेयर एज अ थर्टी ईयर चैप वो अभी जॉब शुरू की है उसने अर्ली करियर में है ही हैज लॉन्ग वे तो वहाँ पर रिस्क कैपीटाइट ज़्यादा है तो दीज आर कंस्ट्रेंट्स तो इन सब को देखते हुए जो है एक स्ट्रैटी बनती है जो डॉक्यूमेंट बनता है जिसका नाम मैंने अभी पहले बताया आईपीएस इसको अगेन आई एल सजेस्ट आई पे थोड़ी सी रिसर्च करें और ये एक ऐसा काम है कि इफ़ यू गेट फेमिलियर विद दैट इवन देर आर ऑनलाइन एक्सरसाइजेज ऑनलाइन टास्क कि आप आई पी एस बनाए इवन कंपनीज़ आर पेइंग फॉर मेकिंग दिस इवन हंड्रेड डॉलर वन फिफ्टी डॉलर आप सिर्फ एक अच्छा आई पी एस बनाने का आपको फ्री लांस वर्क में मिल भी सकता है रिस्क बिहेवियर यहाँ पे हमने बात की थी कि रिस्क बिहेवियर जो है ये सबका सेम नहीं है बिकॉज ह्यूमंस आर नॉट मशीन्स दे हैव देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग दे हैव देयर ओन स्टाइल जब हम रिस्क बिहेवियर की बात करेंगे तो देर आर टाइप्स इसकी भी हमने ब्रीफ डिस्कशन की हुई है पहले तो फर्स्ट आर रिस्क सीकर अब एक रिस्क सीकिंग बिहेवियर है ये वो लोग हैं हु आर मोर फेमिलियर विद रिस्क हु मोर कनेक्टेड विद मार्केट ये दे लाइक टू टेक रिस्क पिंको अगर ऑप्शन दी जाए कि आप एक बिल्कुल सेफ पाथ है और एक रिस्की है इधर फिक्स रिटर्न मिलेगा उधर पोटेंशियल है कि रिटर्न बहुत ज्यादा भी होगा थोड़ा सा कम भी हो सकता है तो दे प्रेफर द वन विद अ हायर रिस्क देन रिस्क न्यूट्रल ये इनडिफरेंट है या वो कर लें या वो कर लें दे आर फाइन और रिस्क एवर्स वेरी कॉशियस इस पर हम बहुत टाइम लगाएंगे ओके थैंक यू